हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एमपी एपेक्स बैंक के सिलेबस की इस वीडियो में इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी साथ ही सिलेबस के पीडीएफ को आप जॉब सरोट कॉम से डाउनलोड कर लें जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की तो पिलम्स के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये एग्जाम पैटर्न चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनरल मैनेजर मैनेजर अकाउंट और मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन तथा नोडल ऑफिसर का है इसमें आपसे इंग्लिश लैंग्वेज रीजनिंग तथा न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल सौ क्वेश्चन पूछे जाएंगे एबिलिटी और रीजनिंग से 35-35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन आपका एक नंबर का होगा और प्रत्येक पार्ट को हल करने के लिए 20 मिनट का समय दिया जाएगा टोटल एक घंटे का समय दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज आपका इंग्लिश में होगा आप बात करते हैं मेन्स एग्जामिनेशन के एग्जाम पैटर्न की तो अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनरल मैनेजर की बात करें तो इसमें आपसे रीजनिंग इंग्लिश लैंग्वेज तथा तो जनरल अवेयरनेस और क्वानिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रत्येक टॉपिक से आपसे चालीस चालीस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक टॉपिक आपका जो है पचास पचास नंबर का होगा टोटल एक सौ साठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो की दो सौ नंबर के होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन पेपर को छोड़कर सारे क्वेश्चन पेपर आपके दोनों लैंग्वेज में होंगे हिंदी और इंग्लिश और इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए आपको एक घंटे का समय दिया जाएगा प्रत्येक पार्ट के लिए आपको तीस मिनट का समय दिया जाएगा अब बात करते हैं मैनेजर अकाउंट्स मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन तथा नोडल ऑफिसर की तो इसमें आपसे प्रोफेशनल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनल अवेरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रत्येक टॉपिक से आपसे 40-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथ ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 200 नंबर के होंगे अब बात करते हैं इसके सिलेबस की तो सबसे पहले बात करेंगे साथ ही टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे टाइम एंड वर्क तथा मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोट एंड स्ट्रीम तथा रेशियो एंड प्रोपोर्शन पाइप्स सर्टेन और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट तथा डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो इसमें आपसे रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट स्पेस विजुअलाइजेशन अर्थमेटिकल नंबर सीरीज और डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथ ही फिगरल सीरीज प्रॉब्लम सॉल्विंग और वर्बल तथा फिगर क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एनालिसिस जजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कोडिंग डिकोडिंग और सिमिलरिटीज तथा डिफरेंसे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अर्थमेटिकल रीजनिंग और विजुअल मेमोरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेटा सफिशियंसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर जनरल इंग्लिश की बात करें तो इसमें आपसे डिग्रीज पूछी जाएंगी साथ ही प्रीपोजिशन और इंटरगेटिव सेंटेंस और एडवर्ब तथा कंजेक्टिव पूछे जाएंगे साथ ही एडजेक्टिव नाउन एंड प्रोनाउंस तथा वर्ब्स एंड टेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेज एंड इडियम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्पेलिंग मिस्टेक डिटेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें आपसे मूड एंड वॉइस तथा सेनोनिम्स और एंटोनिम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनफाइनेटिव जिनेट तथा स्पॉटिंग ऑफ एरर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की जिसमें आपसे कॉन्स्टिट्यूशन स्पोर्ट्स और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिस्ट्री तथा पॉलिटी और एवरीडे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे साइंटिफिक रिसर्च जियोग्राफी इकोनॉमी और नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर आप इस सिलेबस के पी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है आप उस लिंक आरोप क्लिक करके पी को डाउनलोड कर ले और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद